करते हैं। तो देर इज़ अ नो फिजिकल मीडियम, ओनली आपके सिग्नल्स काम करेंगे आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस क्या होते हैं, जो हमारे एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं या हमारा जो सेलफोन काम करता है, ये हमारे रेडियो वेव्स और माइक्रो ट्रांसमिशन पे काम करते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। ओके, और इन रेडियो वेव्स के थ्रू हम सिग्नल्स को कनेक्ट करते हैं। और किसके थ्रू, इसके थ्रू दिखाया कि एक सैटेलाइट होता है हमारा, सैटेलाइट जो हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर होता है और वहाँ से हमारी जो माइक्रोवेव्स हैं या जो हमारी रेडियो वेव्स हैं वो सिग्नल्स रिसीव और सेंड किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग भी इसी के बेस पे होती है। ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ हमारा एक शॉर्ट रेंज वाला वायरलेस स्टैंडर्ड कनेक्ट कम्युनिकेशन का एक साधन होता है, जो हमारा रेंज निर्धारित होती है शॉर्ट डिस्टेंस पे। ये हमारे 10 मीटर्स या 33 फीट्स कवर करता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जोड़ के रखता है। मीडिया के इंफ्रारेड मीडिया टेक्नोलॉजी क्या होती है, लाइक आपने रिमोट देखा है, मोबाइल आपका जो रिमोट कंट्रोल है आपका टीवी का है, एसी का है या डीवीडी का है, वो क्या होता है, उस पर कुछ एक रेड लाइट इम्बिब्ड होती है। तो वो रेड लाइट आपके मोस्ट ऑफ द रूम में ही कवर हो रही है। अगर आप उसको किसी दूसरे रूम में या कहीं दूर ले जाते हो तो वो रेंज में नहीं आता है और आपका टीवी किसी दूसरे रूम से ऑपरेट नहीं होगा। तो वो हमारा इंफ्रारेड मीडिया के अंदर आता है। ठीक है, वाईफाई टेक्नोलॉजी मेनली, वाईफाई का मीनिंग होता है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी का मतलब होता है कि आप जो भी काम करोगे वो आपके इस टेक्नोलॉजी के अंदर वेव्स के थ्रू होगा। ठीक है, लिंक के थ्रू नहीं होगा, लिंक वो आपके वाई मैक्स का होता है। वायरलेस वाईफाई द नेम पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग विच प्रोवाइड द वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन। इसके थ्रू आप अपने सेलफोन्स और आपकी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी का वाईफाई लेना है तो आप उससे सीधे डायरेक्ट रूप से जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू आप क्या करोगे, वो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, दिस इज़ योर राउटर और उस पर कैंटीना टाइप कुछ होता है और ये आपके केबल के थ्रू आपके घर तक लगा दिया जाता है। ठीक है, बट ये इंस्ट्रूमेंट आपका जो भी है वो पेबल है और इसकी भी फीस होती है। ये नहीं है कि आप ऐसे ही कहीं से कुछ करोगे, बट ये है कि आपको अगर किसी दूसरे वाईफाई यूज़ करना है विदाउट द सिक्योरिटी, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। आप यू हैव टू सिक्योर ट्रांसमिशन, सिक्योरिटी पर्पज से ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है वाईमैक्स, जो आपके लिंक्स के थ्रू काम करता है। वाईमैक्स और कुछ नहीं है बेटा, ये वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस होता है, जो कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 802.16 और ये आपके 30 माइल्स के थ्रू काम करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है एक कमर्शियल यूज़ के लिए। टेलीकम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल प्रोवाइड होता है। तो आप अभी यहीं तक करेंगे, ये सारा अनगाइडेड मीडिया है। थैंक यू।